where basically I was a great, I was a strong supporter of the anti-imperialist movement, and that anti-imperialist program within the manifestos of our parties. आज जो है ना आज हम ये जो अमेरिका अमेरिकन्स हमें जो हमारे जो हमें जो पकड़ रहे हैं पकड़ के जो है ना कि हमारे बेल्ट टाइटन कर रहे हैं ना नूज नूज अराउंड आवर नेक ये जो हो रहा है कि दिस नूज हैज बीन देयर राइट फ्रॉम 1950s और उन्हीं दिनों में यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर इतने अच्छे हमारे फसल निकला था वीट का और यहाँ पर वीट की कमी करा दी है ना और फिर अमेरिकन्स का वीट एड आया अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड फ्रॉम वाशिंगटन मोहम्मद अली बोगरा उसको लेकर आ गए अच्छा मतलब है कि इट वेंट ऑन फ्रॉम यू नो फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर बट वी वर ऑल द टाइम गोइंग डीपर एंड डीपर इन टू द क्वागमायर ऑफ एज एन इम्पीरियलिस्ट टूज इट स्टार्टेड विद लियाकत अली खान सॉरी सेइंग इट लेकिन लियाकत अली खान के विजिट टू वाशिंगटन इग्नोरिंग और सेटिंग असाइड द इन्विटेशन फ्रॉम स्टालिन सोवियत यूनियन में नहीं गए वाशिंगटन गए और नतीजा ये हुआ कि हमारे साथ हमेशा के लिए सोवियत यूनियन के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है ख़राब हुआ और हम बतदरीज घुसते गए अमेरिकन जाल जाल में वो खैर लियाकत अली खान की ओर फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्वेज कनाल का हुआ वहाँ पर जाकर जो है ना हमने सूर्यवती जैसे एक प्राइम मिनिस्टर पीपल्स मैन और वो भी जाकर जो है ना सीधा जाकर ही बिकेम सेल्समैन फॉर अमेरिकन पॉलिसी इन साउथ एशिया और वो बेचने के लिए वो जापान तक गए अमेरिकन पॉलिसी को बेचने के लिए तो एंड इट वेंट डाउन फिर उस अयूब खान का दौर आया वो चलते 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 जो है ना कि देन केम द 1980s 79 फॉर अफगानिस्तान में एक तब्दीली आई ना वेदर यू लाइक इट और नॉट ये तो अफगानिस्तान में आया ना तो आप कौन होते हैं उसको जो है ना सबोटाज करने वाले और वेन यू लुक एट इट वहाँ के जो है ना ट्रेडिशनल जो फ्यूडल मुल्लाइज नहीं ना वो जो ट्राइबल सिस्टम को जो है ना जरा सा तोड़ने का एक अरेंजमेंट था इन अ वे दैट सौर रेवोल्यूशन जो था कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें या हुआ अब आपने फॉरन जो है कि यहाँ पर हम वी बिकेम ए फ्रंट लाइन स्टेट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंपीरियलिज्म अगेंस्ट द सोवियत यूनियन विच वॉज एक्यूज ऑफ इन्वेडिंग अफगानिस्तान और हमने यहाँ पर इन फोर्सेस को जो रिलीजियस ऑब्सक्योरेंटिस्ट फोर्सेस को पूरा जो है ना पूरा उनको तमाम सपोर्ट करके उनको अच्छी तरह जो है ना उनका पहलवान बनाकर जो है ना पेश करने में वी सपोर्टेड द अमेरिकन्स वी बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलीजियस फैनेटिक्स उनको आर्मिंग फाइनेंसिंग ट्रेनिंग ये सब हमारे ज़मीन से दिया गया whether it was CIA doing it or whether it was FBI doing it but it was being done in Pakistan and we were proud of being the front line state against Soviet intervention in Afghanistan in the name of fighting Soviet intervention in Afghanistan what we were actually doing was we were destroying Pakistan's own sovereignty unhi dinon mein Iran revolution aaya that was also Islamic revolution wahan musliman the kattar kism ke jo hai ki nahi kism ko musliman ne wahan wale उसके तो खिलाफ थे अमेरिकन्स है ना वो बिकॉज दैट वाज इन अ वे टू सम एक्सटेंड इट वाज एंटी इंपीरियलिस्ट इन अ वे उसका एक पॉजिटिव साइड वो था लेकिन यहाँ जो है ना कि यहाँ जो ये जो रिलीजियस फोर्सेस जो थे जो मुजाहिदीन के नाम पर अच्छा ये इस्लाम उनको पसंद था अमेरिकन्स को अच्छा इनको सपोर्ट किया इनको आम किया इनको जो है ना फाइनेंस किया उनको ले जाके वहाँ पर गुजर दिया अफगानिस्तान में एंड देन वंस द सोवियत यूनियन फाइनली विड्रू व्हाट दे डिड दे आल्सो विड्रू नतीजा ये हुआ कि उस वक्त जो है ना उस वक्त बिजंजो जैसे लोग ये कहते थे उनका बिजंजो की एक स्पीच है उनके अपने किताब में है वो उनके अपने बायोग्राफी में जो जुनेजो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान पर दैट वॉज बिफोर द साइनिंग ऑफ जेनीवा डिक्लेरेशन तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाबा सुने ये आप देख लें अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं इसका नतीजा ये होगा कि आप इट लॉल बूमरैंग ऑन यू एंड इट इज गोइंग टू कम वेरी सून वो वहाँ से भाग जाएंगे और ये जो क्रिएट करके जो ना आप वहाँ जो भेज रहे हैं इन बदमाशों को ये बदमाश को फिर वो पागलों की तरह घूमेंगे और फिर वेर एवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे विल इंटरफियर एंड दे विल डू इट एंड दे डिड इट है ना पहले कश्मीर में जाके किया बट अवर इंडियंस तो उसको खैर ठीक है इंडियंस उसको शायद
जरा ज्यादा मैग्नीफाई करके बोल रहे होंगे, मगर दिस थिंग वाज देयर, देयर वाज एन इंटरवेंशन, वेदर पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज डूइंग इट और नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट दिस पीपल वर देयर, तो उन्होंने उनको किसी ने ऑर्गेनाइज करके वहां पर भेज दिया, इसलिए उनको और कोई काम नहीं था उनके, उनको कुछ ना कुछ तो करना है, यू हैव ट्रेन दम टू फाइट, यू हैव आई मीन इस्लाम के लिए, तो वो नाउ टुडे वी आर एक्चुअली फाइटिंग दम, यू डोंट हैव ए क्लियर कट एक्सप्लिसिट सॉर्ट ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी, कि जिसका ये है कि जो हमारे मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए ए फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो है नहीं, इट इज आइदर द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लासेस और द इंटरेस्ट ऑफ सम कोटरी सिटिंग इन इस्लामाबाद, आइदर इन द प्रेजिडेंसी और इन द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस और इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और वेयर एवर, तो हमारा कोई फॉरेन पॉलिसी, आप देखें 88 में जब बेनजीर इलेक्ट होकर आ गई, मैंने उसके बारे में भी पहले मेरे बातों में मैंने कहा है, उनको एक गलती ने जो सॉ यू नो कमीन, वो अपना कोई पॉलिसी जो है ना कि वो अब इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकी, फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम समवेयर, फाइनेंस मिनिस्टर केम फ्रॉम समवेयर एल्स, इंटीरियर मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम समवेयर एल्स, शी वॉज जस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो नतीजा ये है कि सी अगर शी कुडंट, इवन इफ शी वांटेड शी कुडंट, लेकिन ये हमारे जो ये जो गलतियाँ हैं दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग, और अब तो वो गलतियाँ नहीं, अब तो ब्लंडर्स आफ्टर ब्लंडर्स, नाउ वी कैन ओनली कमिट ब्लंडर्स, इसलिए कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वी हैव गॉट टू, वी आर नाउ फोर्स टू कमिट ब्लंडर्स, इसलिए कि वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव अप्रोच टू एनी इश्यूज, इंटरनेशनल और नेशनल और रीजनल और नहीं है हमारा, तो गॉड अलोन नोस यू नो आई मीन इफ व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, अमेरिकन से आज हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं, वी कैन नॉट डू इट, वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस, हमारे पास कुछ नहीं है जो अमेरिकन से आकर जो हमारे ऊपर जो है ना कभी जूता लेकर सर पर मार रहे हैं, वो कभी कह रहे हैं कि इसको छोड़ो, अब वो वहाँ पर जो है ना कि जिस टाइप के कोई आदमी यहाँ पर कोई 8-10-15 आदमी को मार दें, वो कहेंगे कि नहीं वो इसको उसको भाई वो ही इज़ अवर मैन, सेंड हिम बैक, है ना, तो यू विल फोर्स टू डू इट, अब ये जितना भी ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे वरेंगे, बट व्हाट आई फील इज दे विल फाइनली बी फोर्स्ड टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द कंट्री, बिकॉज दे हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट पब्लिक रिएक्शन, यू हैव गॉट टू सर्व इंपीरियलिज्म एंड दैट इज वेयर यू स्टैंड, आप ये पीपल्स पार्टी इज सपोज टू बी एन एंटी इंपीरियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सपोज टू बी एंटी फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, बट वेर डू यू सी दम इम्प्लीमेंटिंग इट, अब ये जो राइटिस्ट रिएक्शनरी फोर्सेस ने जिस तरीके से इन्होंने नामों से रिसालत का जो ये चला रहे हैं इस वक्त, देर इज नो जस्टिफिकेशन, ये देर इज ए गवर्नमेंट विच आर सरेंडर्ड और दिन रात कह रहे हैं कि भाई हम कोई इसमें ब्लास्फेमी हमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, तौबा है, उसके बावजूद कहते हैं कि नहीं साहब आप करने जा रहे हैं हम लोग, तो एक प्रोग्राम इनका क्या है, प्रोग्राम इनका ये है कि साहब टू गो इन टू इलेक्शन एंड अ रिपीटेशन ऑफ PNA मूवमेंट, उसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इस वक्त आप देखें देवबंदीज एंड बरेलवीज एंड शियाज एंड वो सब आपस में एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं, सब करते हैं ना, बट इन दिस थिंग यू नो दे आर ऑल यूनाइटेड, तो बात यह है कि ये इस किस्म का सिचुएशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और ये जो प्रो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज के नतीजा है ये सब, है ना, हम लोकल हमारे जो ना हमारे अपने जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ को कभी टच नहीं किया, लोगों को पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, उनको कहीं से भी कोई सहारा मिलता है तो वहाँ पर वो है ना, यू कैन सी ए लॉट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया, सदर्न पंजाब हो या फ्रॉन्टियर हो या है ना इस तरह, तो ये इन तमाम चीज़ों में हम फंसे इसलिए कि वी डिडंट हैव ए पॉजिटिव नॉन एनेंड foreign policy oriented towards protecting the interests of Pakistan and its people. When I say protecting the interests of Pakistan, it is not protecting the interests of the Zameen, just territory. We always, you know, I mean, हमारा पूरा foreign policy था कि हमारे ज़मीन है वो ज़मीन के जो ना territorial integrity, what territorial integrity? People don't have any sovereignty and integrity. What is territory? Territory तो कुछ भी नहीं है. A territory is there because
पीपल आर देयर इन द टेरिटरी. कोई भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत, आप देख रहे हैं कि बोलते कुछ है ये लोग, कर नहीं सकते. अब ये जो ये दिस मर्डरर, दिस अमेरिकन मर्डरर, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं कि अखबारों में, इसमें, ये यूट्यूब में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है उसके बारे में, कि साहब वो स्पाई है, वो मेरे लोग बड़े ड्यूबियस एक्टिविटीज उस करते रहे यहाँ पर. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें तो पता नहीं है, पर इसके जो स्टोरीज आ रहे हैं, इसके बावजूद इन लोग का, आई मीन, आप डावाडोल है, आप कोई क्लियरली कोई स्टैंड ले नहीं पा रहे, और आप नहीं स्टैंड ले पाएंगे अनलेस यू मेक ए डिसीजन कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इस मुल्क के जो ना के इंटरेस्ट, इस मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट है, और इस मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि सब अमेरिका के जो है ना कि तुम चला बने उनके पॉलिसीज का. तो वो जब तक जो है ना कि जब तक उससे आप बिल्कुल, यू विल हैव टू कट योर सेल्फ कम्प्लीटली ऑफ, वो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते. फॉर दैट यू हैव गॉट टू नाउ वंस अगेन, मैं असल में हमारे लेफ्टिस्ट और प्रोग्रेसिव फोर्सेज का, मैं यू नो I always think that they are the ones, agar wo, probably if they think properly and plan properly and organize themselves properly, maybe ke wo jo na ka awam ke, awam ko is tarike se organize kar sake. Ab hum anti-imperialist movement hai, kyunki we are ek hum 200 log ya 100 logon ko leke press club ke samne ek demonstration karne se wo baat nahi banti. You have got to politically organize the people, then aur awam hamare sath hote nahi hai. हमारे साथ वही कैडर होता है, वो कैडर बहुत ही बिल्कुल ऑनेस्ट है, वो मार खाने को तैयार है, मरने को तैयार है, मगर वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑर्गेनाइज द पीपल अराउंड ए प्रोग्राम ऑफ एंटी ब्रिटिश प्रोग्राम. वो कौन कर रहा है? वो नारे लगाकर वही लोग जो उनके पैसे से पहले, ये जो रिलीजियस पार्टीज, वो उनके उनसे फंड लेकर पहले, उनके आदमी, उनके बच्चे लड़के वहाँ पर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ से शादी कर रहे हैं, यहाँ वो मस्जिद में प्रीच कर रहे हैं. तो ये यही लोग एंटी इंपीरियल्स भी है, बिकॉज वी हैव फेल्ड, है ना. तो उसमें अगर ये हमारे जो मैं पार्टीज के नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर ठीक है, कम्युनिस्ट दो तीन छोटे मोटे कम्युनिस्ट है, बट देर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह मैंने उसको पहले कहा नेशनल पार्टी है, ये वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान है, अवामी पार्टी है, ये सब छोटे छोटे पार्टीज है. दे मस्ट यूनाइट एंड कम आउट विद अ प्रोग्राम, पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम और एन एंटी इंपीरियलिस्ट प्रोग्राम. वो अलग अलग करके कुछ नहीं हो सकेगा. अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि साहब हम यहाँ पर इजिप्ट जैसे जो ना काम कर सकते हैं, बट अगर हमने ये नहीं किया तो इजिप्ट जैसे यहाँ पर हो सकता है विदाउट लीडरशिप, है ना. वो मुझे ना किसी का नोबडी एवर थॉट कि साहब इजिप्ट के लोग जो है ना को, तो लोग ये समझते थे कि वो तो गरीब भी है और जो अमीर है वो तो अजायश है, मगर वो सारे निकल के आपने देख लिया कि यूथ, विमेन, मैन विमेन इन बुरका इन स्कर्ट्स एंड सारे जो है इकट्ठे, बट दैट सिचुएशन लाइक दैट मे कम, मगर उस वक्त जो है उस वक्त वन कैन नॉट से वेर इट विल लीड यू टू. लेकिन हम लोग इस कदर फंसे हुए हैं, तो उसमें से फिर निकालने के लिए जो है कि यू वॉन्ट टू डू सम प्रिलिमिनरी वर्क, एंड दैट कैन ओनली बी डन बाई द प्रोग्रेसिव फोर्सेज. और प्रोग्रेसिव फोर्सेज का मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव फोर्सेज अकेले नहीं कर सकते, दे हैव गॉट टू देन मोबिलाइज सपोर्ट ऑफ, यू नो, आई मीन पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर वो एक बहुत बड़ा कैडर है, आई मीन एंड देर इज अ बिग फोर्स इन साइड घर, यू नो, जो एंटी इंपीरियल सोच रखते हैं, यू नो. मगर प्रॉब्लम ये है कि उनके जो रूलिंग एलिट है, वो रूलिंग एलिट कैन नॉट मेक यूज ऑफ दैट, है ना. तो आपका ये जो हमारे जो ये जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट फोर्सेज जो है ना कि ये अगर यूनाइट होते हैं तो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू नो कि उनको स्प्लिट करें आप, बट देख यू कैन इन्फ्लुएंस दम. Target should be an independent, absolutely independent, and ये non-aligned foreign policy has not lost its validity yet. अभी भी वो है. A foreign policy attuned to the basic fundamental interests of the people of Pakistan. People. So then you will have to get all this stolen money from abroad, of all these multi-billionaires who are ruling us today in the name of honesty, in the name of anti-corruption. So then naturally, you know, it will be easier for you to, you know, get out of the stranglehold of imperialism. And stranglehold of imperialism means also IMF, World Bank, WTA and things like that. And if it doesn't happen, you know, then they will be in our own Tahrir Square.